इस टाइम पे भाई वाइब्रेशन महसूस हो रही है, 6 गियर पे चल रही है और 65 की स्पीड पे चल रही है। पता नहीं कौन सी आवाज आ रही है इंजन से, मुझे सुनाई दे रही है आवाज, गड़गड़ गड़गड़ हल्की सी हल्की आ रही है। चलते ही ना मतलब कि बंद भी हो रही है। ओह शिट गाइस, बाइक में दिक्कत बढ़ गई, बाइक में कुछ इशू आ रहा है यार। जब भी मैं 6 गियर पे चलता हूँ और कुछ 65 किलोमीटर स्पीड पे चलता हूँ ना, तो बाइक में दिक्कत आने लग गई यार। बाइक में वाइब्रेशन हो रही है इंजन में, आई डोंट नो यार क्या है यार, दिल धक धक कर रहा है, बहुत गंदे वाला यार। आज जा रहा हूँ मैं एजेंसी में जा रहा हूँ फटाफट से मैं, तो देख रहा हूँ भाई क्या दिक्कत आने वाली है। मेरी वाइफ बैठी है देखो यहाँ पे, वो भी देख रही है भाई बाइक के अंदर हो क्या गया। फटाफट से भाई बाइक पे मिलते हैं और जाते हैं फटाफट से एजेंसी में, निकलते हैं, मिलते हैं बाइक पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू टेस्टर डायरीज विद रजत। आज हम सीधा बाइक से डायरेक्ट, और आज हमारा प्लान है कुछ एजेंसी जाने का। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एजेंसी में। एक्चुअली मुझे अपनी बाइक में 6 गियर पर 65 की स्पीड पर चलता हूँ तो मुझे कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही है। आई थिंक ये छोटी इशू है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि छोटा इशू बड़ा बन जाए, क्योंकि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ कहीं जाने का। तो छोटा इशू बड़ा होते कुछ देर नहीं लगती, इसलिए मैं पहले इसको एजेंसी में दिखा दूँ कि क्या इशू है। बिकॉज मैं सर्विस करवाई थी और मुझे इतनी जल्दी इशू फेस करना पड़ रहा है, तो वेरी बैड थिंग। तो मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा कि इंजन फ्यूल की पोजीशन क्या है, क्या नहीं है, और कितना रह गया है, क्या विस्कोसिटी है इसकी। तो मुझे सब कुछ चेक करवाना पड़ेगा। मामों की पोजीशन पता ये रहती है हमेशा, यहाँ खड़ते हैं आराम से और चलान काटते हैं। अपने को डरने की जरूरत नहीं है भाई, अपने पास सारे के सारे कागज हैं, नंबर भी अपना आ गया पता है। कैश करो भाई, नंबर कौन सा होगा भाई बाइक का, नंबर आया भाई अपना रिसेंटली। मामास पॉइंट ये मामे खड़े हैं भाई, रोके जा रही हैं गाड़ियाँ, जाने तो भाई। चेक करते हैं भाई सेवन स्टैंडर्ड नहीं आ रही। मुझे इस टाइम पे भाई वाइब्रेशन महसूस हो रही है, देखो 6 गियर पे चल रही है और 65 की स्पीड पे चल रही है, 65, 68, 69 अप्रोक्स 65 से 70 के बीच में मुझे वाइब्रेशन महसूस होती है। आई डोंट नो वाई, पर मुझे इसका ना सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या फिर मुझे इसका रीज़न चाहिए क्या है क्या नहीं है। आवाज भी आती है खड़खड़ खड़खड़ इसके बाद इतना स्मूथ हो जाती है, आई डोंट नो वाई। चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई पहुंच गया हम यामा के शोरूम के बाहर, देखो यार कौन कौन खड़ा होगा अंदर, आई डोंट नो। एम्प्टी खड़ी है यहाँ, थोड़ी बाइक में दिक्कत हो रही है। नहीं यूट्यूब चैनल है अंबाला से। चाल है जी, बढ़िया जी। यार देखो क्या हो गया इसमें यार, छठे गियर पे तो ये वो वाइब्रेट मार रही है ऐसे ऐसे करके, 60 की स्पीड पे। हाँ पता नहीं कौन सी आवाज़ आ रही है इंजन से, मुझे सुनाई दे रही है आवाज़, गड़गड़ गड़गड़ हल्की सी हल्की आ रही। और ये पहले गियर पे ना उठ भी नहीं रही कभी कभी तो, हाँ मतलब कि चलते ही ना मतलब कि बंद भी हो रही है। हाँ दब रही है मतलब, हाँ मुझे लग रहा है इंजन फ्यूल भी कम ना हो गया हो। सीधे रोकना, लोग जी रोक लिया, ठीक है चल जाएगा। कितना चल जाएगा? 500 किलोमीटर रोज। क्लच में दिक्कत आ रही थी? नहीं नहीं, तो भाई अपने था क्लच में दिक्कत, क्लच हो गया था बहुत लूज, और हमने इंजन फ्यूल भी चेक करा लिया, इंजन फ्यूल भी बेस्ट है, ठीक है चल जाएगी अभी 500 किलोमीटर्स और अभी चलाएंगे भाई, एक ट्रिप मारेंगे इसका, कल ऑफिस जाएंगे ट्रिप मार के आएंगे। देन गाइस आ गए एजेंसी से घूम के, और एजेंसी में हमारा कुछ खर्चा तो हुआ नहीं, लेकिन हमारे क्लच में कुछ दिक्कत थी, हमने इसको फटाफट से ठीक करवा दिया और हमारी बाइक एकदम खतरनाक चल रही है, एकदम लेवल हार्ड हो गया। तो यार छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो मुझे यार ऐसा होता है यार, ऐसा जब कुछ इशू आता है ना बाइक के ऊपर, क्योंकि मैं चलता हूँ हर रोज कम से कम 100 किलोमीटर हर रोज चलाता हूँ, तो थोड़ा सा भी इशू आता है ना तो मैं पहचान लेता हूँ यार कुछ बाइक में आज कुछ दिक्कत है। तो मैंने आज जाके बड़ा ठीक करवा लिया, बहुत सही था, मतलब कि छोटा सा इशू था जल्दी ठीक हो गया,
और हमारी बाइक एकदम स्मूथ हो गई है भाई। अब संडे आने वाला, अभी परसों हमारा संडे तो नहीं है, फोर्थ हमारा संडे है। हमने संडे राइड प्लान कर रखी है, संडे राइड करेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे भाई, सपोर्ट करो तेरे भाई को यार। तेरा भाई इतनी अच्छी वीडियो बना रहा है और चैनल ग्रो कर रहा है, मैं देख रहा हूँ यार, मेरे सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जब दिन में एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है भाई, आज दिन में कुछ अच्छा हो गया। तो भाई बने रहना इस चैनल पर, तो बाय बाय।